रेलवे स्टेशन स्थित यूपी पोस्टल कोऑपरेटिव बैंक के प्रतिनिधि का चुनाव शुक्रवार को रेलवे स्टेशन स्थित बैंक परिसर में किया गया। इस चुनाव में प्रतिनिधि पद के लिए 4 प्रत्याशी ने दावेदारी की है, जिसमें समर बहादुर सिंह, अरुण कुमार, विवेकानंद श्रीवास्तव और राजेंद्र प्रसाद शामिल हैं। शाम 5 बजे वोटिंग प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अरुण कुमार को 62 अंक, समर बहादुर को 60 अंक, विवेकानंद को 4 अंक और राजेंद्र प्रसाद को 0 अंक प्राप्त हुए। इस प्रकार अरुण कुमार ने शानदार जीत हासिल की। वहीं कुछ वोटरों ने इस चुनाव का विरोध भी किया है। उनका कहना है कि चुनाव में कुल 166 मतदाता हैं, लेकिन चुनाव अधिकारी की तरफ से 132 मेंबरों को ही वोट डालने का अधिकार दिया गया है, जिसको लेकर कुछ मतदाताओं ने चुनाव पर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन भी किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से चुनाव अधिकारी विनोद कुमार ने बात करनी चाही तो चुनाव अधिकारी ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए इस चुनाव में शानदार जीत हासिल करने वाले अरुण कुमार ने कहा, डेलीगेट के लिए चुनाव हो रहा है यूपी पोस्टल कोऑपरेटिव बैंक, इनको बोलने दिए। हाँ, यूपी पोस्टल कोऑपरेटिव बैंक का प्रतिनिधि का चुनाव है। क्या आपत्ति आप लोग कुछ लोगों को? आपत्ति यह है कि जो निर्वाचन अधिकारी द्वारा वोटर लिस्ट और बैलेट पेपर भेजे गए हैं वो 166 हैं, लेकिन उसमें 132 को वोट 131 को वोट डालने दिया जा रहा है मतदान अधिकारी द्वारा, और बाकी लोग कर्मचारियों को वोट से वंचित किया जा रहा है, क्योंकि वह कह रहे हैं कि ये बाहर स्टेशन से आए, जबकि वो भी कर्मचारी जी मंडल गोरखपुर में ही कार्यरत हैं। ये है, कोई देवरिया में है, कोई मऊ में है, वेतन उनका यहाँ से बनता है, कोई आजमगढ़ में है, DDO गोरखपुर में रहता है, जो DDO रहता है जहाँ से वेतन बनता है उसी आधार पे चुनाव होता है, वोटिंग का पावर है। देवरिया वगैरह के चुनाव कितने साल पे होता है? 5 साल पे। तो क्या डिमांड कर रहे हैं आप लोग? डिमांड तो इसमें नहीं है, लोनिंग होती है विभाग की, जो कर्मचारी रहते हैं। नहीं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? मांग ये कर रहे हैं कि जो वोट डालने दिया जाए, जो कर्मचारी वोटर लिस्ट में जिनका नाम है उनको भी वो मतदान करने दिया जाए।